वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक बार फिर चढ़दी कला देखने वाले सारे ही दर्शकों का द ओंकार सिंह शो ते बहुत बहुत जी आया नू। हर वार की तरह इस बार असी फिर तुहानू कुछ हस्तियों को लैके आए हैं। वह हस्तियां ने जिन्हों का सिखी सेवा प्रचार ते प्रसार विच बहुत वड्डा हाथ है। सो हर वार की तरह असी तुहानू इन्हां को लैके आए हाँ। हर वार असी तुहानू एक नवे मित्रां कोल, सज्जणां कोल, प्रचारकां कोल, पॉलिटिशियंस कोल, या ओह जिन्हां ने किसी भी फील्ड दे विच कोई टीसी वाला बेर तोड़िया होवे उन्हां को लैके जाने हाँ। सो अज असी लैके आए हाँ तुहानू स्वामी राम सिंह जी ते जैसमीन कौर। यह प्रचार प्रसार कर रहे ने सिखी का, तो असी इन्हां को लैके चाहुंदे हाँ। हुण मैं ज़्यादा देर तुहाडे विच ते इन्हां विच ना रहिंदा होया तुहानू लैके चलदा हाँ इन्हां दे कोल। जिवें ही जिवें तुसी देखी जा रहे हो, कोशिश करो इस प्रोग्राम नू अगे होर शेयर करो ते नाल नाल कमेंट्स जरूर करो, ता कि जे तुहाडे कोई सवाल ने असी नैक्सट टाइम जदों स्वामी जी नू मिलांगे या जैसमीन कौर नू मिलांगे तुहाडे जवाब उन्हां तों आपां जरूर पुछांगे। सो चलदे हाँ स्वामी राम सिंह जी कोल। स्वामी राम सिंह जी कोल। स्वामी जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु फतेह। की हाल चाल जी तुहाडा? बहुत अच्छा, कृपा वाहिगुरु दी। जैसमीन जी तुहाडा की हाल है? सो स्वामी जी असी जानना चाहवांगे जिवें कि संगतां तुहानू चढ़दी कला टाइम टीवी दे माध्यम राहीं द ओंकार सिंह शो दे विच तुहानू देख रहे ने, तुहाडा विचार सुननियां चाहुंदे ने। सो पहला तां थोड़ा जिहा अपने बारे चानना पाओ जी। ए दास का जन्म बिहार स्टेट विच पटना साहिब तो 100 किलोमीटर दूर राजगिरी के पास हुआ। ग्रेजुएशन करने के बाद ए दास नु वैराग्य हुआ सत्य की खोज के लिए। वहाँ से बनारस गया, बहुत महापुरुषों कोल गया। एक निर्मले संत श्रीमान महंत हरि सिंह जी जो अमृतसर रहंदे सी, वो बनारस विच गए सी। वहाँ पर एक निर्मल संस्कृत विद्यालय है निर्मले संता दा, उनका मिलाप हुआ। उन्होंने हमारी खोज को देखकर, जिज्ञासा को देखकर, उन्होंने बोले कि आप अमृतसर चलो और आपकी जो मनोकामना है घर त्यागने का सत्य की खोज के लिए, वो मनसा आपका पूरा होगा। उनके वचन को मानकर मैं उनके साथ श्री अमृतसर साहिब आया। उन्होंने हमें गुरबाणी का पाठ सिखाए साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का 1975 च। एक साल तो बाद सत्तोवली गली जो भाई मनी सिंह जी का टकसाल है, श्रीमान संत बाबा कृपाल सिंह जी जिन्होंने साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की 10 भागों में टीका किए हैं, ए दास उना को लगभग 8-9 साल गुरबाणी दी टकसाली अर्थ ए दास पढ़ा और श्रीमान पंडित नारायण सिंह जी जो पूरे निर्मल भेक के सबसे बड़े विद्वान और ब्रह्मज्ञानी महापुरुष सन, उनके चरणों में हमें रहने का मौका प्राप्त हुआ और वो हमारे गुरु थे और हैं। उन्होंने मुझे ब्रह्म विद्या के द्वारा मुझे अपने स्वरूप का बोध कराया, हमारे जो भी संशय थे वो दूर किए। अब हमें किसी प्रकार को कोई संशय नहीं है,
हमें मुक्ति की भी इच्छा नहीं है। जो हमें महापुरुषों ने सत्य का संदेश दिए उसी परम सत्य को हम जगह जगह जाकर लोगों को बांटते हैं और गुरबानी ते हमें अटूट श्रद्धा है। संत बाबा गुरुदेव सिंह जी नानक सर वाले, उन्होंने हमें बेनती किए कि स्वामी जी हमारे भेख में विद्वानों की कमी है, आप अमृत छक लें तो जगह जगह प्रचार करने में लोगों का ट्रस्ट ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं कि आपको अमृत छकने से ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, वो चीज़ तो आपके ऊपर पहले ही महापुरुषों की कृपा है, लेकिन जिज्ञासुओं जो सीकर है उसके लिए बहुत अच्छा होगा। और ऐसे भी साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साथ हम उनको साक्षात नारायण स्वरूप परमात्मा का अवतार और कलयुग के मालिक के रूप में हम उनको जानते हैं। उनका संदेश, खासकर उन्होंने जो निर्गुण निराकार परमात्मा का संदेश दिए हैं जगत को, क्योंकि सगुण परमात्मा के दर्शन मात्र से ज्ञान नहीं होता, सगुण परमात्मा के दर्शन से पुण्य बढ़ता है, सगुण परमात्मा के उपदेश से ब्रह्म ज्ञान होता है। मैं एक मिनट इतने रुकना चाहवागा, तुसी कह रहे हो सरगुण परमात्मा, पहला तो यह भी दसो सरगुण ते निर्गुण परमात्मा ए दो अखर केड़े ने, सरगुण परमात्मा कौन है ते निर्गुण कौन है? ठीक है, गुरबाणी चे आप पढ़ते हो निर्गुण आप सरगुण भी ओही कला धार जिन सगली मोही। तो जिथे आप जी कह रहे हो कि सर व्याख्या कर रहा हूँ, परमपिता परमात्मा वाहेगुरु निरंकार अकाल पुरुष, उसका वास्तविक स्वरूप जो है वो मन वाणी से परे है, उसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई चिन्ह नहीं है, वो मात्र अनुभव स्वरूप है। निर्गुण, यस, या चक्र चिहन अर वर्ण जात अर पात नहंज रूप रंग अर रेख भेख किछ कह न सकत कह अचल मूर्त अनुभव प्रकाश अमितोज कहंज। वो अनुभव प्रकाश है। ये अनुभव प्रकाश जो है, अनुभव प्रकाश का भाव है कि वो चेतन है। चेतन का भाव होता है जो अपने को जानता है और दूसरे को भी जानता है, लेकिन उसको कोई नहीं जान सकता। ऐसा हो गया निर्गुण। निर्गुण हम अपना सरगुण की गल करें, सरगुण परमात्मा समय समय पर कला धार कर अर्थात शक्तियां लेकर इस संसार विच आंदे ने भक्तां दी पुकार सुनकर। जैसे साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, दसों गुरु साहेबान, भगवान कृष्ण, भगवान राम, ये सब समय समय पर संसारी जीवन जो उनको कष्ट हो रहे सी उन्होंने दूर करने वास्ते, भटके लोगों नू सही रास्ते पाने वास्ते भगवान आंदे ने सगुण रूप धारण करके। लेकिन वो आंदे और अपना उद्देश्य जो उनका होता है, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम, के साधु पुरुष की रक्षा के लिए
और दुष्ट पुरुषों के संहार के लिए। जिमें गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते ने संत उभारण दुष्ट खत्म करने से, है ना, करने वास्ते। तो इस तरह से वो आते ने और अपना प्रयोजन पूरा करके वो चले जाते ने। लेकिन निर्गुण निराकार परमात्मा ना आते ना जाते, वो एक रस हमेशा रहते हैं। यहाँ पर कोई ये कह सकता है कि जब निर्गुण और सरगुण एक ही है गुरमत के अनुसार, तो फिर निर्गुण के अनुभव से आत्म साक्षात्कार होता या परम मुक्ति होती है, तो सगुण से क्यों नहीं? तो मैं यहाँ पर उदाहरण दूंगा कि भन मथुरा कछ भेद नहीं गुरु अर्जन परतख हर, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है ना जी। दसों गुरु साहिबान साक्षात नारायण हैं, परमात्मा हैं। आप नारायण कलाधार जग में परवरे। लेकिन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का दर्शन पृथ्वी चंद ने भी किया है, चार गुरु साहिबान का दर्शन किया है, क्या वो मुक्त हो गए? यहाँ तक कि गुरु हरगोविंद साहेब जी ने मरवाने का कोई कसर नहीं छड़िया। गुरु अर्जन देव जी के ऊपर सुलही खां से मिल करके अटैक कराने का सोचा। और यदि सगुण परमात्मा के दर्शन से ही मुक्त हो जाता, एक है मुक्त होना एक अमर होना, ये दो वखरे वखरे जो मैनू लगता है मुक्त ते अमर दो वखरे वखरे टॉपिक्स ने। हुण जिवें तुसीं कहा कि भी पृथ्वी चंद मुक्त नहीं होया, मैं तुहाडी गल नाल सहमत हाँ, लेकिन अमर हो गया। वो कैसे अमर हो गया? जदों अमर दा भाव ना मरन वाला, ना मरन वाला सिर्फ एक आत्मा, एक आत्मा है। हुण जिथे जिथे गुरु साहब दा नाम वजदा है उत्थे पृथ्वी चंद दा नाम भी नाल ही वजदा, जिवें राम ते रावण, जिवें राम ते रावण दोवें। आपको लगता है कि अमर हो गया, ये तो आपको पता है कि बहुत समय के बाद ये सारा संसार नाश हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है ना, परले जिसको महापरले कहते हैं। गुरु साहब कहते हैं जो जम्या ने मरना, हाँ, जो उपजियो सो विनस है, है ना। तो जब ये सारा संसार का नाश हो जाएगा तो क्या उसका नाम नाश नहीं होगा? परमात्मा का नाम नहीं, पृथ्वी चंद का। ऐता फिर जो कोई रहे नहीं नाम लैण वाला, राम गयो रावण गयो जाको बहु परवार, है ना। लेकिन इत्थे भी देखो ना, हुण जिथे जिथे अमर का अर्थ और होता है। ज्ञान दो। अमर का अर्थ ये है कि जो जन्म मरण से रहित हो जाए, हाँ जी, उसको अमर कहते हैं। ठीक है। सिर्फ संसार में नाम रहना उसको सद्गुण रूप से, या मतलब उसने कोई अच्छा कर्म नहीं किया उस रूप से लोग बहुत जानते हैं, उसको अमर नहीं कहते। मेरा कहना भाव कुछ होर से, मेरा कहना भाव सीगा नाम दी गल कि सिर्फ उस इंसान का नाम तो सिर्फ परमात्मा का ही है, वह ही रहना है। ठीक है ना। लेकिन असं गल कर रहे हैं कि जदों एक इंसान टॉपिक की गल करते हैं, हुण बहुत लोग गुरमत के अनुसार ही आपको बता रहा हूँ। आप वाणी च पढ़ते हो सतगुर नू सबको वेखदा जी, जेता जगत संसार, डिठे मुकत ना हो वही जिचर शबद ना करी विचार। बिल्कुल, बिल्कुल है ना। दसों गुरु साहेबान और श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी का दर्शन मात्र से ही मतलब मुक्ति हो जाए, तो गुरबानी का विचार और जो गुरबानी कह रहा है कि सिमरन भजन ध्यान, उसका प्रयोजन ही नहीं रह जाएगा। फिर जिथे बाणी कहती है श्री कृष्ण ते आई है जिस दिठे सब दुख जाए, फिर उतें की मतलब कर दें? वहाँ पर श्री हरकृष्ण ध्याये का भाव ये है, साहेब श्री गुरु हरकृष्ण साहेब जी महाराज का जो उपदेश है, उस उपदेश के ऊपर जा कर के जिसने ध्यान किया है
उनके बताए मार्ग पर जिसने चला है, समझे ना। श्री हर किशन ध्याये डिठे सब दुख जाए। जो गुरु हर किशन साहेब जी महाराज के बताए मार्ग पर चलकर निरंकार का ध्यान करेगा वो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। इत्थे डिठे दा अर्थ की कर दियो। डिठे का मतलब ये है कि जो उनका उपदेश है गुरु हर किशन साहेब जी महाराज का, समझे कि नहीं, जो उनके उपदेश को कमाया, डिठे का अर्थ ये करता हूँ हम लोग कि जिसने गुरु हर किशन साहेब जी महाराज का जो उपदेश है उसको कमाया जिसने, वो मुक्त हो गया। ठीक है जी, बहुत वधिया गल है। जिथे आपां तुहाडे नाल गल कर रहे हैं उत्थे आपां विच विच नाल जैसमीन कौर जी बैठे ने, आपां इन्हां नाल भी विचार करते रहेंगे। जैसमीन जी तुसीं बहुत देर तो बैठे, आपां सोचते हैं कि तुहाडे वल भी आईए, दैन आप बाद में आपके पास फिर आएंगे। सो जैसमीन जी थोड़ा बहुत अपने बारे में बताइए। Should I hold the mic? Up to you. I'll probably hold the mic. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. You know, I grew up in Toronto, and I didn't really grow up in a religious family, but they were a family that was open to religiosity. But I did sit outside and I watched the stars, and I always used to wonder that there has to be something more in the world than just, you know, me, my little body, our house, the four of us. Bhi mara di addi vaddi srishti hai, kuch ta hai. And I listened to Japji Sahib Katha by Guru Nanak Dev Ji. And I think in my head, it just rung that Guru Nanak Dev Ji knows something about how to get free from this, what the purpose of life is, what I'm actually supposed to be searching for. And ever since then, I really wanted to surrender and take Amrit and follow their pathway. So I took Amrit, and the entire time through, even the day that I took Amrit, I asked Guru Nanak Dev Ji that I don't know anybody in my Amrit Sanjar. I don't have any friends that are Amritaris. I don't even know how to read and write Gurmukhi yet. That please, throughout the entire process, you be the one that takes me through it. And indeed, I think I started to learn how to read Larivar within a few months after that. Started doing Kirtan. I met my Sangat in Toronto, all within just a few months because of doing Ardas to Maharaj. But still, jehdi oh pyaas sigi ki andar andhakar hai, hanera hai, agyan hai, ki Maharaj de darshan kadon honge, oh je pyaas, matlab vad rahi si. And I think there came a time about around 4 years ago, ki matlab, बहुत ज़्यादा वध गई सी एंड उसका कोई सुलझा भी नहीं सी मिल रहा बिकॉज तुम कितने किसी को जाओ या किसी को जाओ वो खुद जिज्ञासु हैं खुद मतलब दर्शन करना चाहते हैं राइट सो फिर मैं अरदास की महाराज न कि महाराज तुम स्वयं आओ तो मैं दसो कि गुरबाणी के साक्षात अर्थ की हैं जदों तुम उचारी सी तो महाराज के दर्शन किमें हो अंदर की जो प्यास है हनेरा है वह दूर किमें हो। And I think that was the first time that during the ardas, a pankti started to ring in my head. And that pankti was, Antar jami purkh bidate sarda man ki pure, Nanak das ehe sukh mange mokau kar santan ki ture. And for the first time, I realized what a sant could mean for me. Because it's not something in my sangat that was talked about very much. But in my head, it made sense because if there's not a single other person on this planet who has reached Vaheguru and is enlightened and worthy of going to, then technically that can't happen to me either because it hasn't happened to anybody on the planet. And from that point on, I asked Maharaj, like, I don't know how to go to a sant. Main kadhi bhi istriyan nu nahi dekhya santan de naal. मैं किमें पहचानूंगी कि संत भी हैगे हैं कौन है सो मैं क्या महाराज तुसी सारा कुछ संभालना है मैं थोनू अरदास करी है तुसी देखना है। एक हफ्ते बाद जिथे मैं रहनी है टोरंटो च 10 मिनट की दूरी च नानकसर गुरुद्वारे आंदा है उत्थे स्वामी जी ब्रह्म विद्या की क्लास शुरू करन लगे सी और फिर मैं पोस्टर देखा तो मैं गई एंड एज सून एज आई एंटर्ड द रूम आई थिंक स्वामी जी लुक्ड एट मी एंड दे सैड I've been waiting for you for a long time. It's about time you showed up.
एंड जेडे वो अंदर बहुत कुटन बनी हुई सी इट जस्ट फ्लोड आउट इन द फॉर्म ऑफ टीयर्स एंड एवर सिंस दम फॉर 4 years फिर मैं स्वामी जी के हम ब्रह्म विद्या पढ़ती हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी के अर्थ पढ़ती हैं तो साधना करती हैं सो आई ट्रैवल विद दम आई वॉज प्रैक्टिसिंग टू बी अ डॉक्टर एंड आई थिंक 2 years अगो आई लेफ्ट डूइंग दैट प्रैक्टिस टू यू नो फुल टाइम डिवोट कि जिन्हों स्वयं अनुभव प्रकाश होवे उही फिर दूसरे नू दस सकदा उस नू हक बनता दसन का कि साधना करा भगती नू दृढ़ करा गुरबाणी दे अर्थ समझा ब्रह्म विद्या समझा और यू नो संतां नू समर्पित होके जिहड़ी साडी परंपरा चलती आ रही उस अनुसार यू नो खुद साधक बना ते प्रचार करा थैंक यू वेरी मच इतने हूँ दो सवाल पहला होंगे तुम्हें क्या कि अपनी एजुकेशन जो तुम की छड़ के तुम यू लैफ्ट एवरीथिंग सो वट वॉज योर पेरेंट्स व्यू ऑफ दैट यू नो आई डोंट रेकमेंड दैट यू लीव योर एजुकेशन मोस्टली आई वुडंट रेकमेंड इट बट इन माई सर्कमस्टेंस आई वॉज विथ स्वामी जी ऑलमोस्ट ऑल द टाइम Right, and I had a clear pathway as to what I had to do. In terms of my parents, it wasn't good at the beginning at all. That's not something you want for your child, especially ki unna da inna changa career hone wala hai ki oh fir oh chhad rahe hain. But mere parents jinna supportive, I'm so thankful to Waheguru ki mainu apne mata pita ch vi sant hi dikhde hain. They're so supportive, especially mere istri hon karke. एंड उन्होंने बहुत कोमल दिल है कोमल स्वभाव तो विवेक बहुत है उन्होंने पता कि एंड वह खुद मतलब रिलीजियस हैं पर अमृत हूँ उन्होंने छकना है पर इन्ना विवेक उन्होंने हैगा कि जे तू इस मार्ग पर चलना चाहनी आप तेन फुल सपोर्ट कर दे जिमें कहा कि भी एज यू सैड कि भी जिमें साडा ट्रडिशन है कि समर्पित होकर चलना संतान मैं नहीं लगता कि संतान समर्पित होकर चलना है गुरु साहब कहते हैं परमात्मा समर्पित होकर चलना है इतने तुहाडे जिहड़े वर्ड्स ने उत्थे मैं थोड़ी प्रॉब्लम आई है सुन के मैं शायद मैं गल सुनिया होवे तुसी कहा कि भी जिवें साडा कल्चर है साडा सिस्टम है कि असीं संतान समर्पित होना बट गुरु साहब ने कितने ने कहा संतान समर्पित होना एक्चुअली मैं संत और परमात्मा च फर्क ही नहीं दिखता जो वास्तविक संत होवे किस महाराज खुद कहने संत सरन अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा राइट और वो कहने ज्ञान अंजन गुरदिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत पेट्या नानक मन प्रगास मनु सेपरेशन नहीं लगता बिकॉज महाराज कहने ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर राइट इतने ना सवाल इतने आता कि भी जिमें आप गल करते हैं कि नो डाउट कि साधु या संत ते परमात्मा इन्हां च फर्क नहीं है क्योंकि इत्थे डिपेंड आ रही है कि एक इंडिविजुअल की गल हो रही है संगत की गल हो रही है गुरु ग्रंथ साहब की गल हो रही है या परमात्मा की गल हो रही है बट जदों असीं गल करते हैं कि जिवें मैं आप जी को आना आप जी ने दस्या सी कि भी जदों आप जी नूं जिहड़े आप जी दे पहले विद्यक गुरु होए ने उन्होंने तुहानूं कहा सीगा कि भी सब कुछ छड्ड के नाल आ जाओ तो मैनू नहीं लगता कि गुरु साहब ने कितने कहा मैं उही गल कह रहा जिम्मे आप जी कहते कि मैं छड़ के सारा कुछ तुम कहा कि भी मैं अपने त्याग के अपना परिवार त्याग के है ना सो गुरबाणी में आप हाँ जी हमें इतना वैराग्य था समझे ना क्योंकि हमने बहुत महापुरुषों की लाइफ हिस्ट्री पढ़ा उसमें ये देखा कि जिसने भी सत्य की अनुभूति की है उसके अंदर बहुत वैराग्य था समझे ना बहुत से लोग कहते हैं गुरु साहिबान और भक्तां दी गृहस्थी गृहस्थी को मैं उत्तम मानता हूँ नो डाउट लेकिन भक्तां दी गृहस्थी और गुरु साहिबान दी गृहस्थी यूनिक गृहस्थी है no doubt. 9 साल की उम्र में गुरु तेग बहादुर जी का शादी हुआ और वो घर में भोरे में बैठ करके वो
तपस्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं लगभग 30 साल। मैं कोई वैरागी संत को भी नहीं देखता हूँ कि सब कुछ छोड़ करके और भोरा बना करके आश्रम में 30 साल बैठ के भक्ति करता हो। वो एक नाम मात्र की गृहस्थी है। ये तो वैरागियों में बड़े वैरागी और सन्यासियों में बड़े सन्यासी। गुरुदेव बहादुर, मेरा भाव है नहीं सेगा कि भैया गलत है, मैं नहीं कह रहा गलत है, मैं गल कह रहा है कि भी गुरु साहब ने एक मैं मैंने गल पूरी होने दो। गुरु साहब सानू ए नहीं कहते कि तुसी सारा कुछ छड़ दियो काहरे मन खोजन जाई, है ना। सो परमात्मा अंदर ही बैठा है, उन्हें अंदर लभना है, अपने अंदर झात मारनी है, अपने अंदर जाना है। तो जेड़ा भी वीर भैन ग्रस्त विच या फिर विराग दे विच या फिर अपने ग्रस्त मार्ग नू छड़ के इंडिविजुअल मार्ग ते जाना चाहता है, दे आर अलाउड टू डू दैट। सिख दे विच कोई इदां दा ओ नहीं हैगा, फोर्स नहीं है कि तुसी ग्रस्त विच ही रहना या तुसी विरागी रहना। मैं समझ दस गल, फोर्स नहीं है, मेरा फोर्स नहीं है जी। हम कभी किसी को ये नहीं कहा है कि कारोबार को छोड़ दो, घर को छोड़ दो। सगों जो छोड़ के आते हैं ना, तो उन्होंने कहता हूँ कि इकोनॉमिकली जो है किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। स्वामी राम सिंह जी ते जैसमिन कौर जी, असी अपने व्यूअर्स नूं दस दिए कि हर बंदे दे जिन्हें भी साडे कोल गैस्ट आते हैं वो उन्हां दे परसनल विचार ने, चैनल का उन्हां दे नाल एक्सैप्शन होनी या ना होनी, उन्हों एक्सैप्ट करना ना करना, या साडे व्यूज़ एक होने को जरूरी नहीं है, तुहाडे भी जरूरी नहीं है। जो तुहाडे विचार ने तुसी थले कमेंट करके जरूर दस्यो, ते असी तुहाडे सवाल या तुहाडे विचार स्वामी जी ते जैसमिन जी को जरूर पहुँचावांगे। ते जिथे असी गल करदे आ एक दी, साडा जो उपदेश है, साडा जो चढ़दी कला टाइम टीवी ते ओंकार सिंह शो दा साडा जो मेन मोटो है कि संगतां नूं गुरसिखां दे नाल मिलाउणा, उहनां दे विचारां तुहाडे तक लियाउणियां। असी हर संपर्दा हर जथेबंदी दे वीर भरा नूं मिलदे हाँ, मिल के उहनां दे विचार तुहाडे तक लियाउंदे हाँ। सो जे तुसीं किसे स्पैसीफिक वीर भरा नाल विचार करनी चाहुंदे हो, सानूं मैसेज जरूर करियो, असीं तुहाडे तक उहनां दे विचार जरूर लैके आवांगे। तो कोशिश करनी है, एक गल हमेशा याद रखनी है, बिर गुरन कोर अंधार गुरबिन समझ ना आवे। परमात्मा जो साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के रूप साडे कोल, गुरु साहब का प्रकाश साडे कोल है, जदों तक असी गुरबाणी नूं पढ़ांगे नहीं, समझांगे नहीं, विचारांगे नहीं, तो उदों तक साडा हनेरा कोई भी दूर नहीं कर सकता। फिर वह भावें कोई जिन्ना मर्जी वड्डा महापुरश होवे, जिन्ना मर्जी वड्डा ब्रह्म ज्ञानी होवे, जदों तक आप असी एक कदम गुरु वाले पासे नहीं चलांगे तदों तक साडा हनेरा दूर नहीं होना। गुरु पातशाह आप कहिंदे ने चरण शरण गुर एक पिंडा जाए चल, सतगुर कोट पिंडा आगे होए लेत हैं। पातशाह जी आप करोड़ा कदम तुहाडे कोल आणगे, जिवें जैसमीन ने कहा कि तुसीं कोशिश करो, आई वुड से गिव योर सम अ चांस, not only Sikhi, give yourself a chance to learn about Sikhi, who you are, what your roots are. Apni roots bare, apni jada bare pehchano, nitnem karo, bani padho, simran karo, te guru na judo. Asi bahut dhanwad karde haan, tusi sade program nu like karde ho, dekhde ho, share karde ho, sanu kehne di lod nahi, tusi phir karde rehna hai. Agle program tak, nave guest te lyaan tak wait karyo, asi jarur agle hafte phir tuhanu ek bahut vaddi शख्सियत एक महापुरश नूं मिलावांगे, जेडे इस गुरबाणी दे पाथ नूं तुहाडे तक होर खोलणगे, होर अगे लगे जाणगे। तद तक दास ओंकार सिंह जी ते साडे दोवें गैस्टां वल्लों सांझी फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।